हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अजमेर की सात सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही साथ उन जगहों की टाइमिंग के बारे में, एंट्री टिकट के बारे में, रेलवे स्टेशन से कौन सी जगह कितनी दूरी पर है, हर छोटी सी छोटी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भाई लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दो चार दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए अजमेर की उन सात जगहों के बारे में एक एक करके जानते हैं। अजमेर की सात सबसे खूबसूरत जगहों में से नंबर वन पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अजमेर की यह दरगाह भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह पवित्र स्थान न केवल मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए बल्कि हिंदू धर्म व अन्य सभी धर्मों के लिए एक पूजनीय स्थल है। यह दरगाह ईरानी और हिंदुस्तानी वास्तुकला का एक सुंदर संगम है। यहाँ की बहुत मान्यता भी है, कहते हैं कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद मन्नत यहाँ पर जरूर पूरी होती है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर अपनी अपनी मन्नत लेकर आते हैं। यह दरगाह 24 घंटे प्रतिदिन खुली रहती है, आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। अजमेर रेलवे स्टेशन से इस दरगाह की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। आपको अजमेर के लोकल टेम्पो बैटरी रिक्शा रेलवे स्टेशन के बाहर से मिल जाएंगे। आप शेयरिंग में 10 रुपये देकर भी यहां तक पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो पैदल भी 20 से 25 मिनट में आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। दरगाह में प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर उतार दें और अपना सर कपड़े से ढक लें। चादर, फूल, चढ़ावे का सामान आपको दरगाह के अंदर ही मिल जाएगा। दरगाह के चारों तरफ मार्केट भी हैं जहां से आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहां पर आप कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने, घरेलू सजावट के सामान, बहुत सी चीज़ें आप यहां से ख़रीद सकते हैं। खाने पीने के लिए आपको कई सारे यहां पर रेस्टोरेंट, होटल वगैरह मिल जाएंगे। यहां की सोन हलवा मिठाई बहुत फेमस है, आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो सोन हलवा मिठाई अपने घर के लिए ज़रूर ले जाएँ। अजमेर की दूसरी जगह है आना सागर झील। इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा आणा सिंह चौहान ने करवाया था। ये झील अजमेर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इस झील की खूबसूरती को देखने के लिए देश भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्री टिकट, कोई भी चार्ज नहीं है। किसी भी समय आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, अगर आपको बोटिंग करनी है तो बोटिंग के लिए आप सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आ सकते हैं। हर बोट का यहाँ पर अलग अलग प्राइस है। अपने दोस्तों, फैमिली, पार्टनर के साथ शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए एक बेहद खूबसूरत जगह है। अजमेर रेलवे स्टेशन से इस झील की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। सूर्य अस्त के समय यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो सूर्य अस्त के समय यहाँ पर आएँ। अजमेर की तीसरी खूबसूरत जगह है सोनी जी की नसिया। अजमेर में इस मंदिर को लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थकर को समर्पित है। इस मंदिर में एक स्वर्ण नगरी है जिसे सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सभी चीज़ें सोने की बनी हुई हैं। ये अयोध्या मंदिर है, पूरा गोल्ड का बनाया गया है यहाँ पर। दोस्तों, मंदिर के अंदर एंट्री बिल्कुल फ्री है। मंदिर परिसर के अंदर जो ये स्वर्ण नगरी है, इसमें दोस्तों टिकट लगती है 30 रुपये की। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक प्रतिदिन यह मंदिर खुला रहता है। अजमेर रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और अजमेर शरीफ दरगाह से इस मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। अजमेर का चौथा प्रसिद्ध स्थान है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। यह एक मस्जिद है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो दिल्ली के पहले सुल्तान भी थे। इस मस्जिद के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस मस्जिद को जिन्होंने 2.5 दिन में बनाया था, इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। यह अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर शरीफ दरगाह से 300 मीटर की दूरी पर है। जो कोई भी अजमेर शरीफ दरगाह पर आता है वो यहाँ पर घूमने के लिए ज़रूर आता है। यह एक पवित्र धार्मिक स्थान है। अगर आप मस्जिद में जाएँ तो अपने जूते चप्पल उतार के ही जाएँ। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्री टिकट, कोई भी चार्ज नहीं है। अजमेर का पांचवा प्रसिद्ध स्थान है नारेली जैन मंदिर। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध
जैन तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर जैन धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग भी दर्शन के लिए आ सकते हैं। एकांत जगह पर यह मंदिर बना हुआ है, शांति से कुछ पल बिताने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्री टिकट, कोई भी चार्ज नहीं है। यह मंदिर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। अजमेर रेलवे स्टेशन से इस मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। अजमेर का छठा प्रसिद्ध स्थान है पृथ्वीराज चौहान स्मारक। स्मारक के रूप में यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की विशाल मूर्ति बना रखी है और यहाँ पर टिकट लगती है दोस्तों, पर व्यक्ति दोस्तों 10 रुपये की टिकट है। यह स्मारक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। यह स्मारक अजमेर की एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है, जहां से आप अजमेर शहर का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। जिन लोगों को फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी का शौक़ है, उन लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। यहां पर आप अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अजमेर का 7वां प्रसिद्ध स्थान है फोय सागर झील। इस झील का निर्माण सन 1892 में अंग्रेजी वास्तुकार मिस्टर फोय ने करवाया था। उन्हीं के नाम पर ही इस झील का नाम फोय झील रखा गया। इस झील के पास अरावली चोटियां इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। यहां पर आप कुछ अनमोल दृश्य अपने कैमरे मोबाइल में कैद कर सकते हैं। जिन्हें फ़ोटोशूट का शौक़ है, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आप अपने परिवार दोस्तों के साथ पिकनिक का आनंद उठा सकते हैं। शाम को टहलते समय सनसेट और यहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद उठा सकते हैं। झील किनारे आप वर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं। यह झील अजमेर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, ये थे अजमेर के 7 सबसे खूबसूरत स्थान, जिन्हें आप एक दिन में बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं। अजमेर घूमने का सबसे अच्छा समय रहता है विंटर का, क्योंकि समर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अजमेर के लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप इन सभी जगहों को बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं। अब वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा। आपको मैंने सभी जानकारी दे दी है, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अजमेर की इन 7 खूबसूरत जगहों को घूम सकें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।